वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निकाह कर कतर से आगराई दुल्हन इंसाफ पाने के लिए आगरा के थानों के चक्कर लगा रही है, लेकिन पुलिस महकमा इंसाफ दिलाना तो दूर, उसकी बात सुनने को राजी नहीं है। पीड़िता ने पति का नाम खालिद मोहम्मद बताया है। पीड़िता का कहना है कि उसकी शादी झूठ बोलकर कराई गई, कि पहली पत्नी की मौत हो चुकी है, लेकिन अब पति कहता है कि पहली बीबी रहने नहीं देगी। इसके साथ ही पीड़िता का आरोप है कि उसे वैश्यावृत्ति के लिए मजबूर करते हैं, जिसकी शिकायत करने पर उसे धमकाया जाता है। मेरे साथ झूठ बोल के शादी करी गई थी 2015 में। किसने किया था? दोहा खतर में मैं और मेरे हस्बैंड जॉब करते थे। मेरे नंदोई नावेद जमाल, शगुफ्ता बानो, सवालिया बानो और इनके घर वालों को सबको मालूम था मेरी जो शादी करवाई है नावेद जमाल और शगुफ्ता बानो ने। मेरा शादी का सर्टिफिकेट खुद रायपुर से इशूड है। मेरी फोन पे हुई थी शादी। झूठ बोल के ये बोल के करवाई थी कि इसकी बीवी मर चुकी है, एक बच्ची है बस, जैसा कि तू यतीम है ये भी यतीम है। ये दिक्कत आ रही है कि मैं कभी भी आती हूँ ये बहला फुसला के भगा देते हैं। क्यों, कि अगर तू घर पे आएगी तो लड़ाई भंडाई होंगे। मेरी बारी जो पहली पत्नी बैठी है बहुत कमीनी है। मैं बोली उसके वजह से मैं क्यों भुगतान भुगतूं, मुझे तो मेरा हक मिलना चाहिए। मैं कोई आपसे भाग के तो नहीं आई थी, कोई गैर गलत काम कर नहीं रखना नहीं चाह रहे हैं। ये बात बहाना बनाने के लिए कि बाहर मैं तेरे साथ बाहर निकलने के लिए तैयार हूँ, बाहर निकलेंगे 8 दिन 10 दिन 15 दिन बोलते हैं। इन लोगों ने मार पिटाई करी बुरी तरीके से, गलत काम करने के लिए कुछ हाँ प्रोस्टिट्यूशन करवाना चाहते हैं। इसके भी मैं आपको वॉइस कन्वर्सेशन देती हूँ। वॉइस मेरे पास है। आप थाने गई आप इस मामले? हाँ, मैं यहाँ पर गई हूँ, थाने में भी एप्लीकेशन ली हूँ। वहाँ पर ये पूरी बातों को ऊपर नीचे कर रहे हैं, बस खाली बोलने में। सबूत तो बताइए ना, जैसे मैं सब हर बात का सबूत बताऊंगी, इनको भी बताने नहीं, क्योंकि ये इनके इनके क्या बोलते हैं अंडर में है ना। ये खुद मुझे राहुल, विनोद, कई पुलिस इंस्पेक्टरों के सामने बता चुके हैं। राहुल से तो डायरेक्टली ऐसा लेके मिला, ये राहुल मेरा दोस्त है, तेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा, तू उल्टा अंदर जाएगी। हमारे पास तो कट्टे चलते हैं, तुझे मरवा देंगे। मुख्यमंत्री जो योगी साहब है उनको ट्वीट कर चुकी हूँ मैं, डीजीपी को उनको भी ट्वीट कर चुकी हूँ। जो भी है मैं सबके पास जाऊंगी, न्याय चाहिए मुझे बस। वहीं दूसरी ओर मुरादाबाद में एक महिला को उसके पति ने सऊदी अरब से तलाक दे दिया। वजह केवल ये कि उसकी पत्नी उसे बेटा नहीं दे पाई। इंसाफ की आस में तलाक पीड़िता एसपी से मिली और न्याय की गुहार लगाई। और मेरे सोहर मारा गया सऊदी अरब में, उन्होंने मुझे तलाक दे दी, इसी वजह से मैं यहाँ आई हूँ। क्यों तलाक दिया, क्या वजह रही? उसकी वजह ये थी कि मेरी 3 लड़कियाँ हुई जी, वो लड़कियों को देखकर कहते थे कि लड़का नहीं है कोई भी, मुझे लड़का चाहिए। और फिर पैसे मेरे माँ बाप से कि मैं लड़कियों के लिए क्या करूँ, कहाँ तक करूँ, मुझे उनके लिए एफडी करानी है, अपने माँ बाप से इतने पैसे लगे, मुझे इंसाफ चाहिए मेरे बच्चों के बारे में और मेरे बारे में। माँ की आंखों से आंसू पोंछती ये बच्ची अपनी माँ का दर्द तो नहीं समझ सकती, लेकिन उसके बहते आंसुओं को थामने की कोशिश कर रही है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले पर पीड़िता की किस तरह से मदद करेगी। आगरा से ब्रिजभूषण और मुरादाबाद से मुजम्मिल दानिश की रिपोर्ट।